एससी और एसटी वर्ग से आने वाले बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें कहा गया कि एससी और एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू न किया जाए। पूर्व एक कुछ जजों की व्यक्तिगत राय किसी केस के रूप में आई थी कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन एससी को दिया जाए और जो क्रीमी लेयर है उसको उससे अलग किया जाए, ऐसी कुछ भ्रांतियां लोगों में उस राय को लेके थी। बहुत सारे सामाजिक लोग हम लोगों से भी संपर्क करके उसकी जानकारी लेना चाह रहे थे। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से समय मांगा, सभी माननीय लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने मुलाकात की माननीय प्रधानमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी को ये विषय संज्ञान में लेके आए तो प्रधानमंत्री जी ने पूर्णतः आश्वासन के साथ में कि वो उनकी व्यक्तिगत राय है, सरकार का जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है वो एज इट एज रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव सरकार के उसमें नहीं होगा और हम बहुत खुश हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े गंभीरता से हमारी बात को सुन के और हमें एक ऐसा आश्वासन दिया जो समाज के हर व्यक्ति को कन्फ्यूजन था उसको दूर करेगा, जो विरोधी विपक्षी दल इस को लेकर लोगों में भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे थे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने इन सांसदों से हुई मुलाकात के बारे में लिखा कि एससी और एसटी वर्ग से आने वाले सांसदों से आज मुलाकात हुई, इस वर्ग के कल्याण और सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्धता और दृढ़ता को दोहराया। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बीजेपी सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि एससी एसटी आरक्षण की पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी, आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी, न ही क्रीमी लेयर लागू करने की कोई योजना है। कोटा विद इन कोटा या क्रीमी लेयर की जो बात हम करते हैं तो क्रीमी लेयर की बात हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को आश्वस्त किया है कि क्रीमी लेयर की कोई बात नहीं होगी और ये जो बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है वो मात्र ऑब्जर्वेशन है, प्रसंगवश कही गई बात है जिसको लीगल टर्म में ऑबिटर डिक्टा कहते हैं, तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये निर्णय है, ये ऑब्जर्वेशन है जो प्रसंगवत कहा गया है और हमारी पार्टी ने हम सभी को आश्वस्त किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि क्रीमी लेयर वाली बात लागू नहीं होगी और इसके लिए हम सभी सांसद उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उधर इस मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है ताकि विस्तार से चर्चा हो सके। There are various communities. एससी एसटी में कई सारी कम्युनिटी हैं, इसलिए अलग अलग राय है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर विस्तार से चर्चा हो रही है, सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा करे और किसी फैसले तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों से चर्चा की है जो एससी एसटी हैं। डिटेल डिस्कशन अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इसी महीने 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर सरकारें चाहे तो एससी और एसटी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण की सीमा के भीतर उन जातियों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर सकती हैं जिन्हें अभी तक इसका लाभ नहीं मिल सका है। पीठ में शामिल एक जज जस्टिस आरएस गवई ने क्रीमी लेयर लागू करने का विचार करने को भी कहा था। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।